हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और प्रोबेबिलिटी हमारा फिनिश हो गया है, रिग्रेशन लाइन तक हमने पूरा फिनिश कर दिया विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलस। राइट, तो कैलकुलस में देखो तीन पोर्शंस मैंने डिजाइन किए हैं। यहाँ पहले थोड़ा सा हल्का सेंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थ्री पोर्शंस, वन इज इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अलावा आपको देखना है डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो सबसे फेवरेट है हमारा वो देखना है वेक्टर कैलकुलस। राइट, ये एडवांसमेंट है इंटीग्रल और डिफरेंशियल का। राइट, तो इंटीग्रल कैलकुलस देखना है हमें, इसके अलावा हमें डिफरेंशियल कैलकुलस देखना है, और हमें वेक्टर कैलकुलस देखना है। हमें तीनों चीजें देखना है। राइट, तो इंटीग्रल, इसके अलावा डिफरेंशियल, इसके अलावा वेक्टर, ये तीनों चीजों के बारे में हमें जानना है। राइट, तो इंटीग्रल कैलकुलस पहले हम पढ़ेंगे। राइट, तो पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। राइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल, या किसी को भी आप पहले पढ़ सकते हो। राइट, लेकिन हाँ, इन दोनों को जब पढ़ लोगे तभी वेक्टर पे आना है, ये कंफर्म है। इन दोनों में आप कुछ भी पहले पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके आए हो, राइट, गेट एस्पिरेंट्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों की बेसिक नॉलेज रहती है, तो कोई भी टॉपिक आप पहले उठा सकते हो। लेकिन ये मस्ट है कि जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल हो जाए इसके बाद ही वेक्टर पे आना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम पहले शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। क्या पहले स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, तो देखते हैं, यहां समझते हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं इंटीग्रल कैलकुलस। राइट, इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, थोड़ा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, ए पहले हम थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको। देखो इंटीग्रल कैलकुलस में पहले हम पढ़ेंगे बेसिक फंक्शंस के ग्राफ, जो आपको बनाने आ जाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स देखेंगे हम पहले, ठीक है। राइट, ग्राफ्स के अलावा हमें देखना है डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल देखने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, राइट, इसमें ही मैं कुछ आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ बेसिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लेंगे, क्योंकि पार्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसकी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको। वो ट्रिक अगर आपको पता है तो बस उतना कर लोगे आप। राइट, तो यहां पे एक चीज और देख लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट, बाय पार्ट्स, क्लियर है इतना बात, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की यहां पर हम प्रॉपर्टीज और सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। राइट, डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट, प्रॉपर्टीज हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, वो सारी चीजें देख। इसके अलावा और इसका एक्सटेंशन देखेंगे हम, पूरा बहुत ही एक्सटेंडेड वे में पढ़ना है हमें। इसके बाद देखेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल। राइट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखेंगे हम सारा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, गेट इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। राइट, बच्चे कैसे गलत कर देते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू करेंगे। राइट, इसके अलावा यहां पे हमें और भी चीजें देखेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शंस। राइट, ज्यादा इनके प्रूफ्स नहीं देखने हैं हमें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज देखेंगे और सारी चीजों का एनालिसिस करके देखेंगे कि हम बीटा गामा को प्रूफ कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपके एग्जाम में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो मैं एमएससी के बच्चों को भी पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स के, तो वहां पे उनको प्रूफ करके दिखाता हूं, लेकिन यहां नहीं देखना है क्योंकि आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपको पॉलिया मेथड्स पढ़ना है, मतलब प्रॉब्लम्स जानना है,
और प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, वो चीजें सीखना है। तो बीटा गामा फंक्शन होगा। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम, और चीजें देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स देखेंगे, जिसमें ट्वेल्थ में हम पढ़ते हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छा है आपका तो यहां वेक्टर कैलकुलस में आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। लिमिट्स लेने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और लिमिट्स ले नहीं पाते हैं, जिस वजह से क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्लियर है? तो लिमिट लेना अच्छे ढंग से सीखना है कि बहुत बिलो एवरेज बच्चा भी सीख जाए, हमारा काम ये है, राइट? तो एरिया बाउंडेड कर्व देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाई रीजंस, राइट? एरिया बाउंडेड बाई रीजंस में हम क्या करेंगे, इसमें डबल इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डबल इंटीग्रल्स का, राइट? क्लियर है? इसके अलावा और क्या देखना है? अभी पहले हम सिलेबस एक बार नोट कर लें और आप भी नोट कर लें, इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना है। ज्यादा आपको इधर से उधर दिमाग लगाओगे तो कैलकुलस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस लगाने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चे, कि तुम सोचो आईआईटी एडवांस के एरिया बाउंडेड रीजन से लगाने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो पेपर अलग है और गेट पेपर अलग है, दोनों पेपर में बहुत अंतर है और दोनों पेपर को मैं डील किया हुआ हूं। 2 ईयर्स मैंने आईआईटी एडवांस को पढ़ा रखा है दिल्ली में। क्लियर है इतना बात? तो यहां पे वो चीजें बिल्कुल मत करना कि आप आईटी एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो या जेई मेंस के क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हमें यहां बेसिक्स चीजें देखना है, ठीक है? इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम देखेंगे वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे गेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती है, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें गेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्लियर है इतना बात? आगे देखते हैं, आगे और क्या हमें समझना है चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल हो गया, एरिया बाउंडेड रीजंस हो गया। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, ऑर्डर चेंज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्वेश्चन गलत कराते हैं, और चेंज द ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर चेंज द ऑर्डर सीख गए तो वेक्टर कैलकुलस में स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम में बहुत सहूलियत मिलेगी। सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में आपको अगर यहां से चीजें आपने पकड़ ली तो वेक्टर कैलकुलस आपके लिए फिर बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म हो जाएगा, राइट? तो यहां हम देखेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखना है। इसके अलावा इसमें एक और आएगा पोर्शन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, राइट? ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसके अलावा हम देखेंगे और लेंथ ऑफ कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गेट में आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, हमने ये नहीं किया है, हमने वो नहीं किया है। तो इस वजह से ये सारी चीजें भी हमको देखना है, राइट? ये हो गया आपका इतना, क्लियर है? इसके अलावा आपको और क्या देखना है, देखो बेसिक फंक्शंस के पहले एक बार देख लो, ग्राफ्स देखना है, डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंप्रोपर इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन, एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया बाउंडेड रीजन, वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, लेंथ ऑफ कर्व। ये पोर्शन हमारा रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस का, ये सारी चीजें हमें इंटीग्रल कैलकुलस में देखनी है। इसके अलावा हमें और भी कुछ जो चीजें होंगी आ जाती हैं कभी कभार, वो भी हम देख लेंगे, राइट? क्लियर? तो इतनी चीजें अगर एनालिसिस है, इसके बाद हम फिर डिफरेंशियल पढ़ाएंगे, इसके बाद हम वेक्टर पढ़ाएंगे, राइट? क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स, राइट? तो बेसिक फंक्शंस और उनके ग्राफ अगर हमको समझ में आते हैं
इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक फंक्शंस और उनके ग्राफ। देखिए हम तो पहला टॉपिक लेते हैं बेसिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बेसिक से ही देखना शुरू करते हैं हम। यहां पे देखो सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते, उनके ग्राफ्स में प्रोड्यूस करता हूं आपके लिए। देखो यहां पे सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमें इसको याद रखना है हमेशा, किसको? सर्कल को। तो सर्कल का इक्वेशंस क्या होता है वो देखते हैं पहले हम। राइट, ये हमारा क्या है? सर्कल है, इसकी रेडियस मान लो, मैं मान लेता हूं आर है। ये सेंटर है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। राइट, इसका ये लेंथ कितना होगा? एक्स के बराबर होगा। ये लेंथ किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। क्लियर है? अगर मान लो मैं पूछूं कि इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा तो तुम क्या बताओगे? इस कर्व का इक्वेशन सर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। राइट, आर क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ सर्कल। राइट, और एक्स और वाई क्या है यहां पे? पॉइंट्स हैं। राइट, कि पॉइंट अगर मूव करेगा लोकस से तो लोकस बनेगा। अगर मान लो यहां से हम कोई भी पॉइंट लें और ट्रेस करते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा फिक्स्ड रेडियस पर। राइट, तो सर्कल क्या होता है? बेसिकली लोकस है एक फिक्स्ड रेडियस का। क्लियर, एक तो हमें यह याद रखना है। दूसरा देखते हैं और क्या हमें पढ़ना है, कुछ पैराबोलास देख लेते हैं बेसिक। देखो यहां पे मैं बेसिक बना देता हूं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी, जो यूजफुल रहेगा। देखो यहां पे अगर मैं पूछूं कि भाई वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ कैसा होगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल किसका है? 4ax का ग्राफ हो गया। क्लियर है इतना बात? तो वाई स्क्वायर इक्वल अगर 4ax का ग्राफ पूछा जाए तो ये हो गया, ये पैराबोला होगा हमेशा। ये क्या है? पैराबोला। क्लियर है इतना बात? लाइन का इक्वेशन जानते ही हो आप, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। राइट, चलो अगर मान लो इसी में ही वो ये पूछ दे कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax का क्या होगा, तो पहले देखो पहले कर्व बना लो। राइट, ये हमने कर्व बना लिया है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। राइट, क्लियर है इतना बात? तो ये ग्राफ किसका हो गया? वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax का। राइट, ये ग्राफ भी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और ये ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ जो है आपका, ये भी क्या है? पैराबोला है। राइट, अब और पैराबोला किस तरीके से बन सकते हैं वो भी देखते हैं हम यहां पे। यहां देखो और पैराबोला के टाइप्स क्या हो सकते हैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ही ना हो किसी बात की। आगे देखो, अब हम पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें, हम मान लो रिवर्स कर दें, हम ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ के आते हो ये सारा काम। तो यहां देखो अगर मैंने पूछा वाई स्क्वायर इक्वल सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल 4ax, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ax का ग्राफ क्या हो गया? वो ये हो गया 4ay। ये रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया यहां पे, तो ये ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। याद करो तुम पढ़ते थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोलिक होती है, तो उसका इक्वेशन क्या आता था? वाई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन कैसी रहती थी? एक पावर टर्म क्या है? स्क्वायर में है और दूसरा क्या है? लीनियर में है। देखो यहां पे एक पावर स्क्वायर में है और एक टर्म
लीनियर में है तो इस तरह की कंडीशन हमेशा किसकी होती है, पैराबोला की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए इसी का इन्वर्टेड क्या होगा, भाई इन्वर्टेड देख लेते हैं। देखो अब यहां पे अगर ये वाला कर्व इस तरह से आ जाए, वो पूछ दे, इक्वेशन दे दे एरिया वेरिया निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, देखो अब ये वाला इक्वेशन का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस फोर ए वाई हो गया। ये याद करना है आपको, इतनी बेसिक कर्व अगर पता है तो फिर आप को मजा आएगा, बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, फील कर पाओगे चीजों को, वरना हर बार रटोगे कि ये कर्व सर ने क्यों बना दिया। तो यहां समझ लेते हैं सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई पूछ दे, यहां देखो दूसरे पेज पे चलते हैं, इट्स बेटर राइट, यहां पे बनाने में हमको दिक्कत हो रही है। चलो दूसरे पेज पे देखते हैं, यहां देखो अब दूसरा कर्व देखते हैं। और ये आ गया मान लो, अब ये भी तुमने ट्वेल्थ में पढ़ के आए होगे, याद हो शायद। ये क्या है हमारा, इसका इक्वेशन क्या होता है बताओ भाई, याद है तुम्हें? ये होता है इलिप्स, हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही तो रिवॉल्व करते हैं, या हमारा सोलर सिस्टम भी सारे किसमें रिवॉल्व करता है बताओ भाई, इलिप्टिकल। अगर शायद पता हो न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ में या कैपलर्स लॉ में टाइम पीरियड जो है वो रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब क्या है, वहां से ये रिजल्ट निकल के आता है कि हमारे सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स रिवॉल्व कैसे करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। तो दिस इज अ कॉल्ड अ इलिप्टिकल ऑर्बिट और ओवल शेप। ये कैसी शेप है हमारी, ओवल शेप, और इस ओवल शेप का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर किसके हैं, वन के है। तो ये अगर आ जाए तो ये ऐसे कर लेना। अब देखो और क्या पूछ सकता है वो, सारी चीजें देखो भाई, अगर वो पूछता है भाई ये वाला इक्वेशन किसका होगा, बस जानना है, ज्यादा इतना डीप में नहीं जाना है, बस समझना है थोड़ा सा, ये आ जाए मान लो राइट, कि तुम्हें बेसिक कर्व तो पता हो, सारे कर्व तो नहीं है पता तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक कर्व पता होने चाहिए तुम्हें। ये क्या है हमारे लिए, ये हाइपरबोला आ गया, दिस इज कॉल्ड अ हाइपरबोला। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, वन के आ गया राइट। तो ये एलिप्स आ गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारे किस क्लास के हैं फंक्शन, इनको बोलते हैं हम सभी को कॉनिक सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन। अब देखो अगर एक बेसिक फंक्शन और देखते हैं, ये ऐसे ले लो, ये सॉरी ये हो गया अब बी। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, अगर ऐसा फंक्शन आ जाए वाई इक्वल एक्स लाइन आ जाए, ये लाइन बहुत ज्यादा आएगी इसलिए मैं अभी बता देता हूं। देखो यहां पे कैसे, तो लाइन की इक्वेशन होती क्या है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एम बराबर क्या होता है टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री हो रहा होगा, क्योंकि टेन 45 क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो अब लाइन की इक्वेशन कैसी आएगी, अब देखो यहां पे, ये आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई
ये हमारा जीरो, ये वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस। कुछ बेसिक ग्राफ्स मैं बता रहा हूं जिनको याद करना है आपको। ये हमारी y इक्वल x लाइन हो गई, राइट। अब देखो अगर मान लो मैं पूछ दूं y बराबर e की पावर x का फंक्शन क्या होगा, आगे देखते हैं। y बराबर e की पावर x, राइट, कि e की पावर x के लिए फंक्शन क्या आएगा। यहां देखो अब इस कर्व को देखते हैं, अभी हमने किस कर्व को देखा, इस कर्व को देखा, इससे पहले ये कर्व था हमारे लिए, सबको हम ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ही ना रहे, राइट। चलो अब y बराबर e की पावर x का फंक्शन देखते हैं क्या होगा। देखो यहां पे ध्यान से, ये बना लिया, ये बना लिया, राइट। अब देखो यहां ये किसका कर्व आ गया, y बराबर e की पावर x का कर्व आ गया, और y बराबर e की पावर x का मतलब क्या हुआ, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये y बराबर क्या है, e की पावर x है, और ये पॉइंट क्या होता है, 0,1, क्योंकि y अगर 0 रखोगे x की जगह तो y कितना मिल जाएगा, 1 के बराबर मिल जाएगा, तो ये क्या आ गया, 0,1 हो गया। थोड़ा मैं इसको रफली बता रहा हूं तो समझ जाओगे, राइट, क्लियर है इतना बात। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं पता, और देखते हैं और कर्व देखते हैं, अभी तो बहुत सारे कर्व हैं आपके लिए। तो देखो कौन कौन से कर्व हो गए, ये कर्व आ गए हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये पैराबोला हो गए। पैराबोला के अलावा हमने क्या पढ़ लिया, एलिप्स जान लिया, हाइपरबोला समझ लिया, ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है इतना बात। आगे देखते हैं कुछ फंक्शंस और बचे हैं अभी, और देखते हैं। मान लो अगर कोई तुमसे पूछ दे भाई लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां देखो तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा वो देखते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे लिए, वाई इक्वल लॉग एक्स, राइट। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है हमारे लिए, एक्स एक्सिस। क्लियर है इतना बात। अब देखो अब कुछ बेसिक फंक्शन से आगे निकलते हैं, ये तो हो गए हमारे बेसिक फंक्शंस, राइट। अब बेसिक फंक्शन से आगे निकलने पे आता है हमारा सबसे पहला फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शंस कैसे बनाएंगे, अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे अगर कोई पूछता है कि वाई इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, कि वाई इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, यहां देखो y इक्वल मॉड एक्स, तो हमने क्या तुम्हें प्रोबेबिलिटी में ही ये चीज बताई है अगर याद हो, तो मॉड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर x माइनस x ग्रेटर जीरो x लेस जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल मॉड एक्स एक कंपाउंड फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कंपाउंड फंक्शन है, राइट। ये कैसा फंक्शन है, कंपाउंड है। तो हम सिंपल फंक्शंस में हमने ब्रेक कर लिया, सिंपल फंक्शन दो आ गए हमारे पास, एक y इक्वल x आ गया और एक y इक्वल माइनस x आ गया। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहां आप समझो अब ग्राफ कैसे आने वाला है, ग्राफ अब बहुत सिंपल आएगा। देखो कैसे हम बना चुके हैं, तो हम एक बार फिर से और समझ लेते हैं। अगर y इक्वल मॉड x का ग्राफ अगर कोई पूछता है तो क्या आएगा, देखो ग्राफ क्या हुआ, दिस ट्रेजेक्ट्री, सॉरी यहां क्या बनेगा, देखो यहां देखो एक ये लाइन आ जाएगी और एक ये लाइन आ जाएगी, ये सारी चीजें हम तुम्हें बता चुके हैं, राइट। यहां देखो अब ध्यान से, नोटिफाइड कर दे वरना तुम रह जाओ कहीं, गायब हो जाओ इन ग्राफों के चक्कर में। तो ग्राफ के चक्कर में गायब नहीं होना है, इसको समझते रहना है, राइट। यहां देखो तो ये क्या बन गया हमारा, y इक्वल मॉड एक्स, और y इक्वल मॉड एक्स की जो मशीन है वो कंपाउंड है, और कंपाउंड मशीन को स्टडी करने के लिए हम और नीचे चले जाते हैं। तो हमने क्या बनाया,
हमने सिंपल फंक्शन में चेंज कर लिया, और सिंपल फंक्शन कैसे हैं, y इक्वल एक्स है और एक y इक्वल माइनस एक्स है, तो y इक्वल एक्स लाइन कहां से ट्रेवल कर रही होगी, 45 डिग्री से, और ये लाइन कहां से ट्रेवल कर रही है, 135 डिग्री से। यहां पे m क्या होगा, tan 135 डिग्री, तभी तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल माइनस एक्स, और यहां क्या है, y इक्वल एक्स, बिकॉज y इक्वल tan 45 डिग्री इंटू एक्स, तभी तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल एक्स आ जाएगा। तो ये ग्राफ क्या आ गया, y इक्वल एक्स का आ गया, क्लियर। अब देखो यहां पे, अब यहां समझो, यहां जीरो पे क्या है फंक्शन, जीरो पे क्या है, जीरो पे हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, यहां लिख लो अभी, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बताऊंगा क्यों, अभी आएगा, सब आएगा, वेट करो बस, क्लियर है इतना बात। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन हमारे पास। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे y इक्वल मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होगा, राइट, y इक्वल मॉड एक्स माइनस वन, तब हम कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे हमको कैसे दिमाग लगाना है इस चीज में, यहां समझ लेते हैं। अब यहां देखो ध्यान से, यहां बहुत ध्यान से देखना है, अब यहां समझो, अगर मैंने पूछा ये कितना था हमारा b, ये क्या था हमारा a, अब देखते हैं c पॉइंट,